ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੌ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ परिवार मुलाकात कर चुके अमृतपाल सिंह के नाल तो उत्थे ही तुहानू दस दिए कि हुण हलके दे लोक ने इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि तुरंत जिहड़े आ उह हुण लोकां दी आवाज़ बुलंद कर सकणगे बाहर आउणगे लेकिन कि वाकई अमृतपाल सिंह हुण डिब्रूगढ़ जेल तो बाहर आउणगे या नहीं आउणगे इस बाबत हले कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन अमृतपाल सिंह के पिता ने जरूर इन्नी गल आखी है जी मीडिया के नाल खास गलबात दौरान कि आने वाले समय के रिहाई की मंग नूं असीं होर तेज करांगे रणनीति घड़ी जाएगी शांतमई तरीके नाल धरना प्रदर्शन करने की गलबात भी उन्होंने आखी है तो हुण की आने वाले समय के वाकई शांतमई तरीके दे नाल उस हिसाब दे नाल प्रदर्शन होएगा क्योंकि अमृतपाल सिंह ने जिथे हुण बतौर मैंबर पार्लीमेंट वजों हलफ लै लिया सहु चुक ली है तो उत्थे अमृतपाल सिंह दे पिता दे नाल भी जिहड़ी है विशेष तौर पर गलबात की गई तो मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा मुड़ तो लाइव जुड़े ने राहुल क्या कुछ जानकारी आपके पास ताज़ा अपडेट क्या है देखिए अमृतपाल ने शपथ ले लिया है और ये शपथ जो स्पीकर हैं स्पीकर के चैम्बर में ये शपथ दिलाई गई उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो फॉर्मेलिटीज होती है उन फॉर्मेलिटीज़ को अब अमृतपाल सिंह के द्वारा पूरा किया जा रहा है और उसके बाद तकरीबन ये माना जा रहा है कि एक घंटे की पूरी प्रक्रिया होती है और अभी तक जो 40 मिनट हो चुका है तो इसके बाद अब अमृतपाल यहाँ से फिर निकलेंगे और अमृतपाल निकलने के बाद उसके बाद जहाँ पे गंतव्य स्थान है जहाँ पर उन्हें रखा गया है वहाँ पर जाएंगे। संभवतः यह भी माना जा रहा है कि परिवार से भी वहाँ पर मुलाकात इनकी हो सकती है क्योंकि सम्मिलित होने के लिए उनको परिवार को बुलाया गया था तो वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। लेकिन अमृतपाल अभी भी संसद भवन के परिसर में ही मौजूद हैं। एक जो प्रक्रिया पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है सांसद वाली जो संसद का शपथ लेने के बाद जो एमपी की प्रक्रिया पूरी होती है क्योंकि कई जगह पे साइन करना होता है उन सभी जगह को पूरा करने के बाद ही अमृतपाल अब यहाँ से निकलेंगे। अब से थोड़ी देर बाद ये माना जा रहा है क्योंकि मैं एक बार जरूर कहूँगा कि राहुल कैमरामैन राहुल हैं उनसे कि राहुल आप जरा एक बार विजुअल जरूर दिखाएँ कि आप किस तरीके से अभी भी जो गाड़ियाँ सामने में दिख रही हैं आपको ये अमृतपाल के साथ ही गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं और ये सारी की सारी गाड़ियाँ और एक जो गाड़ी उनके वो ले करके और अंदर गई है वो अंदर में क्योंकि एक ही गाड़ी वहाँ पर अलाउड रहती है और उसमें अमृतपाल अंदर गए हुए हैं। अमृतपाल क्योंकि वहाँ पर उसके बाद उन्होंने शपथ ली है और ये प्रक्रिया शपथ की जो प्रक्रिया है वो स्पीकर के जो चैम्बर में जो पारिवारिक मुलाकात होनी है तो जो जानकारी मिल पा रही है कि 3 पारिवारिक मेंबर हैं जिनसे मुलाकात होगी वो 3 पारिवारिक मेंबर कौन कौन से हैं जिनसे मुलाकात करेंगे अमृतपाल सिंह। देखिए यहाँ पर पिता हैं पिता के साथ मुलाकात उनकी होगी चाचा के साथ उनकी मुलाकात होगी कि ये क्योंकि ये दोनों यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और संभवतः तीसरा क्योंकि अब इंतज़ार करना होगा क्योंकि इसका इसकी जानकारी ये मिले आएगी कि आखिर में तीसरा कौन होगा जिनके साथ इनकी मुलाकात होनी है। लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखी गई है और ये पूरे तरीके से कहा जाए कि क्लोज डोर हर एक चीज़ को किया जा रहा है इसको किसी भी तरीके से कोई भी कहीं पर भी कोई चीज़ लीक नहीं की जा रही है क्योंकि पूरी तरीके से कहा जाए कि सिक्योरिटी का मामला भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के है और यही कारण है कि इन सभी चीज़ों को ही मद्देनज़र नज़र में रखते हुए यहाँ पर किसी भी तरीके से कहीं पर भी उसको उजागर नहीं किया जा रहा है कि आखिर में क्या अगला स्टेप का अगला क्या होना है। लेकिन यहाँ क्योंकि शपथ की लेने के बाद उसके बाद जो प्रक्रियाएं उन प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद फिर से अपने जहां पर उनको रखा गया है अमृतपाल को रखा गया है वहां पर ही माना जा रहा है कि वहां पर ही परिवार की मुलाकात हो सकती है जी। तो राहुल अगर हम बात करें जिस हिसाब से पूरा जो है कॉन्फिडेंशियल मामला बनता हुआ नजर आ रहा है वहीं पर अगर देखा जाए जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था क्या कानून पक्ष है इसमें बता रहे हैं जो लीगली तौर पर एडवाइज़र हैं कि जो अंदर अमृतपाल ने शपथ ली है उसकी कोई वीडियोग्राफी या कोई तस्वीर सामने आ सकती है आने वाले समय में।
नहीं देखिए, मैं आपको अभी भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से ये पूरी तरीके से लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर में होता है कि आखिर में उसको सामने लेकर के आना है या नहीं आना है ये पूरी तरीके से। हालांकि उसका पूरी की पूरी वीडियोग्राफी भी होती है, उसका पूरी की पूरी फोटोग्राफी भी होती है, और इसको बाहर लाने का काम यहाँ पर जो संसद का सौंप जिसे कहते हैं, जिसे लोकसभा सेक्रेटेरिएट जिसे कहते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के हाथ में होगा। क्या डिसाइड करती है यहाँ पर किन मामलों को लेकर के, क्योंकि हर एक चीज़ से यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेते हुए यहाँ उसको बाहर ले आया जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पूरी तरीके से ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट के हाथ में होगा कि उसको के डिसाइड करना है कि उसे लेकर के आए। अच्छा राहुल, या लेकर के उसको बाहर लेकर के नहीं आना है। हालांकि ये काफी जड़ी बात जो बातचीत है वो की है, तो वहीं पर अगर हम बात करें तो उनका क्या कुछ और मानना है कि आने वाले समय में क्या कुछ उनका स्टेप रह सकता है, क्योंकि वो रिहाई की मांग को लेकर काफ़ी संजीदा लग रहे हैं। काफ़ी वो ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से जो NSA हटाकर रिहाई करनी चाहिए अमृतपाल सिंह की। क्या कुछ उन्होंने आपको बताया, सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं कि आने वाली जो रणनीति है, समय है, क्या कुछ हो सकता है पंजाब की सियासत को भी लेकर? देखिए, तरसेम सिंह से जो हमारी बात हुई थी, जो उनके पिता हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने साफ सीधे तौर पे कहा था कि पूरी कानूनी प्रक्रिया को यहाँ पर उनके द्वारा देखा जा रहा है और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। और उन्होंने जो मांग की है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उनके ऊपर जो मामले दर्ज हैं, हालाँकि उनके तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये सारे के सारे मामले जो हैं गलत मामले दर्ज किए गए हैं, इन मामलों को हटा करके और उन्हें कहीं जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए, अमृतपाल सिंह को रिहा कर देना चाहिए। नहीं यदि रिहाई होती है तो फिर आगे उसके बाद वो कानूनी प्रक्रिया पे भी जा सकते हैं और उसके साथ ही साथ उसके खिलाफ जो है आंदोलन भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस बात को बात तरसेम सिंह के द्वारा कहा जा रहा है। इंतज़ार करना होगा कि आखिर में इनकी फैमिली अब आगे क्या करेगी, क्या या आगे उनका क्या अगला स्टेप रहता है। लेकिन जो हमारे साथ में बातचीत हुई थी उस पर साफ सीधे तौर पर ये बात कहना है कि यहाँ अमृतपाल सिंह को, जो उनकी फैमिली का कहना है कि पूरी तरीके से उनको गलत मुकदमे में दर्ज किया गया, उनको गलत मुकदमे में इनको फंसाया गया है और उनको जल्द से जल्द इनकी रिहाई होनी चाहिए। ये तो खास तौर पर राहुल, अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो अमृतपाल सिंह ने शपथ ले ली है, कुछ समय बाद परिवार के साथ मुलाकात होगी, तो आगे का प्रोसेस यानी कि डिब्रूगढ़ जेल जाने का कितने बजे का समय जो निर्धारित किया हुआ है, कितने समय के बाद अमृतपाल वापस डिब्रूगढ़ जेल जाएंगे, कितने समय के लिए परिवार के साथ मुलाकात होगी? देखिए, मैं अभी भी ये चीज़ें है कि पूरी तरीके से क्लोज डोर होगा और कितने समय के लिए यहाँ पर मुलाकात होगा ये किसी को भी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये मुलाकात होगी, लेकिन ये मुलाकात उस शर्तों पे है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई ऑडियो प्रूफ नहीं लेंगे और ना ही किसी भी तरीके से आप इसका कोई भी जा करके और बाहर में आप किसी को इसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल और जो पेरोल की जो यहाँ शर्तें हैं उन शर्तों को मानते हुए यहाँ पर मुलाकात। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अपडेट जरूर लेंगे आपसे दोबारा से इसी खबर पर कि क्या कुछ अगला जो कदम है, क्या कुछ अगली जो प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। कि अमृतपाल सिंह ने बतौर मेंबर पार्लियामेंट वजों हल्फ लिया, कुछ चीज़ें ने कॉन्फिडेंशली रखी जा रही है, कुछ भी जी चीज़ है बाहर नहीं कटी जा रही, कोई भी जानकारी जी नहीं दी जा रही, मीडिया के नाल भी कोई गलबात जी नहीं की जा रही। हमारे साथ बात करने के लिए तरसेम सिंह जी हैं जो अमृतपाल सिंह जी के पिता हैं। पहला सवाल ये रहेगा कि जो हल्के के मुद्दे हैं उनको कैसे उठाया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा उनका? नहीं, हम तो सरकार को अपील करते हैं, लोकसभा स्पीकर को भी, कोई आस वागे बचाव होगा नौजवानों का। सरकार की मांग करते हैं वो तो बहुत माड़ा है, उन्होंने सगो बाहर कढ़ना चाहिए ना, उन्होंने हेल्प होनी सगो सरकार की, तो सरकार का तो अद्धी टेंशन मुक जानी उन्होंने होंद। ये दूजा उन्होंने चाहिए कि बार छेती तो छेती उन्होंने क्ढन ता जो उन्होंने भी हाथ सौखा हो सके, उन्होंने टेंशन मुके वालों नशे पत्तिया वालों। खास तौर पर